विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। आज का ये सूर्योदय हिंदुस्तान का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। आज मात्र क्षति नहीं पहुंचाएंगे हम, अभी तो इन दुष्टों का तत्व ही मिटा देंगे। हमारे इतने शक्तिशाली प्रहार कैसे विफल हो रहे हैं? इस दुष्ट के कीचड़ में होने के बाद भी मेरा शक्ति बेलदंडे से भेद क्यों नहीं पा रहा है? कहा था ना मैंने, मेरे महायोद्धाओं को कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ये क्या वरुणदेव, हमारी शक्ति अनासुरों को हाथ क्यों नहीं कर पा रही है? ये क्या हो गया है हमारी शक्तियों को कुबेर देव? ये असुर अब तक सुरक्षित कैसे रह सकता है? वध क्यों नहीं हो पा रहा इसका? इनकी मृत्यु का रहस्य तो हमें इनसे ही प्राप्त हुआ था, फिर भी ये सुरक्षित क्यों है? क्या हुआ गजमुख, स्तब्ध क्यों रह गए? क्या प्रतीत हुआ था तुम्हें? अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर हमारे भेद ज्ञात कर लोगे और हमें आहत करने में सफल होगे तुम, किंतु अब तुम्हारी युक्ति तुम्ही पर भारी पड़ेगी। इसके चारों ओर ये कैसी ऊर्जा है? इन सभी के भी है। प्रतीत होता है कोई आसुरी शक्ति इनका कवच बनकर इनकी रक्षा कर रही है, अर्थात इन्हें आहत करने हेतु सर्वप्रथम इस कवच रूपी ऊर्जा को नष्ट करना होगा। हमें भ्रमित किया है इन दुष्टों ने, इसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही होगा। इस रणभूमि में इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे संयम का बहुत लाभ उठा चुके हो तुम दोस्तों, आप उसे भंग करने का परिणाम भी भुगतो। देवराज इंद्र को इतना उत्तेजित देखकर मुझे अपार संतुष्टि का आभास हो रहा है। अति आनंदित है ये दुर्गमासुर इस युद्ध को इस अवस्था में देखकर। एक बात सदा स्मरण रखना, कभी भी पर्याप्त विचार किए बिना स्वयं को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पूर्ण सोच विचार के उपरांत उचित योजना के साथ ही युद्ध करने से युद्ध में सफलता प्राप्त होती। माँ ने प्रसाद रूप में हमारे भीतर संयम का संचार किया था, इसलिए देवराज इंद्र संयम त्याग कर युद्ध नहीं कर सकते।
क्योंकि इस युद्ध में माँ की पूजा के प्रत्येक चरण का अवश्य कोई विशेष महत्व है। अपनी पूजा के माध्यम से वो परोक्ष रूप में निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। सूर्यास्त तक विश्राम नहीं करेंगे हम। देवी आदि शक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रभु के दुग्ध अभिषेक हेतु निरंतर दुग्ध प्रस्तुत करना हमारा परम कर्तव्य है। देवी आदिशक्ति के दुग्ध अभिषेक पूजा में ये गोपियां जिस प्रकार एक कतार में खड़ी होकर अपने श्रम दान से उसे पूर्ण एवं सफल करने में लगी हैं, ये दृश्य तो वास्तव में बहुत दिव्य और अनुपम है। मनुष्य हो या भगवान, वो अपने आराध्य को जो भी पूर्ण भक्ति भाव से अर्पित करता है वो उन तक पहुंच ही जाता है। उसके लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। किंतु जिन्हें इस भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं होता वो ही इस भक्ति को भंग करने का स्वप्न रखते हैं। देवताओं ने अमृत पान किया हुआ है और मेरे महायोद्धा मेरे सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित है, तो एक घमासान युद्ध निरंतर यूं ही चलता रहेगा। इसलिए अब मेरे द्वारा देवी आदि शक्ति की पूजा में विविधान उत्पन्न करने का सर्वथा उचित अवसर है। मेरे प्रतिरूपो, मेरे समान शक्ति संपन्न हो तुम, इसलिए जाओ देवी आदि शक्ति की पूजा को भंग करने के लिए जो आवश्यक हो वो करो। बस एक भटकाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो मेरे सेनापति करेंगे। मेरी ऊर्जा का एक भाग तो उनके भीतर है ही, बस उनमें वृद्धि करने की ही आवश्यकता है। हाँ
माँ के आशीर्वाद से प्राप्त संयम को त्याग कर हम युद्ध नहीं कर सकते देवराजेंद्र। हमें संयम रख कर ही युद्ध करना होगा, तभी इनके सुरक्षा कवच को खंडित करने का कोई उपाय प्राप्त होगा हमें। कोई नहीं भेज सकता हमारा सुरक्षा कवच। हमें अपनी सेना के समक्ष क्रमबद्ध होकर इन असुरों से उसकी सुरक्षा करनी होगी। ये सभी अचानक कैसे इतने अधिक उत्तेजित हो उठे? हम पर इनका आक्रमण इतना सशक्त क्यों? जैसे ये हमारा संपूर्ण ध्यान स्वयं पर ही केंद्रित रखना चाहते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि दुष्ट दुर्गमासुर हमें भ्रमित कर रहा है? हमें यहाँ इनके साथ उलझाकर वो माँ के दुग्ध अभिषेक को भंग करने का प्रयास करना चाहता है। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा, रोक दूंगा मैं उसे। भैया आप वहाँ जाकर उसे रोकिए, मैं अन्य देवताओं के साथ यहाँ की स्थिति संभाले रहूंगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, आपने संयम धर कर युद्ध करने के लिए कहा था, इस प्रकार हम अपना संयम कैसे रखें? इन पर तो हमारी शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। हमें शीघ्र कोई समाधान करना होगा, अन्यथा ये दुष्ट हाहाकार मचा देंगे और देव सैनिक ऐसे ही आहत होते रहेंगे। गणेश जी, इस प्रकार तो इन्हें रोकना बहुत कठिन है। इनके आसुरी कवच के कारण हम इन पर आक्रमण कर इन्हें आहत करने में असमर्थ हैं, किंतु ये अपनी ही शक्ति से स्वयं को आहत तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्वयं असुर होने के कारण दुर्गमासुर का सुरक्षा कवच इनकी आसुरी शक्ति से इनकी रक्षा नहीं करेगा। अर्थात हमें इनसे एक दूसरे पर आक्रमण कराना होगा। हाँ सूर्य देव, और ये करना तो अधिक कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि असुर होने के कारण संयम इनका स्वभाव नहीं, और जो युद्ध में संयम धारण नहीं करते वो कोई ना कोई भूल तो अवश्य ही कर बैठते हैं। इसलिए इसके पूर्व किए हमारी सेना को और क्षति पहुँचाए, हमें किसी प्रकार इन्हें देव सेना से दूर खींचना ही होगा। गणासुर जी, आज मुझसे युद्ध नहीं करेंगे आप? कहीं मुझसे भयभीत तो नहीं हो गए हैं? उचित है, तुम्हारी चुनौती सुनकर बहुत आनंद आया मुझे। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे।
अब और आगे जाने का दुस्साहस मत करना दुर्गमासुर। दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए बहुत तत्पर हो रहे हो तुम, तो लो सहो मेरा वार। दिखने में तो युवक हो किंतु अपनी आत्मरक्षा करने का सामर्थ्य भी रखते हो, तो क्या आक्रमण कर मुझसे युद्ध करने की कुशलता है तुम में? वध करना है इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है, सरल नहीं है। व्यर्थ में स्वयं को थका रहे हो तुम युवक, कदाचित तुम्हें मेरे वरदान का ज्ञान नहीं है। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु, तथास्तु। इसका रूप हो अथवा प्रतिरूप, इसका अंत तो मां के हाथों ही नियत है। इन दोनों दुष्टों को अपने निकट पहुंचने की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये लो दुष्ट। शीघ्र मैं वहां पहुंचूंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। तुम्हारे जैसे दुष्ट असुर के लिए ऐसे पवित्र स्थान पर प्रवेश करना इतना सरल नहीं है दुष्ट। गोपिकाएं हैं यहाँ, तो वो अवश्य माँ को दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध प्रदान करने आई होंगी। इसका इससे आगे बढ़ना संभव प्रतीत तो नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है, मुझे युद्ध भूमि में लौटना चाहिए।
किसी भी अवस्था में पहुंचूंगा वहां, भंग अवश्य करूंगा देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान, कदापि सफल नहीं हो दूंगा उसे। मंदिर अथवा पूजा स्थल से तो लौटते समय भी उसकी ओर पृष्ठ नहीं करनी चाहिए, और ये दुष्ट तो अपनी पृष्ठ पूजा स्थल की ओर करके ही उसकी ओर पड़ रहा था, तो इसे तो मुंह के बल गिरना ही था। मां की पूजा इतनी साधारण पूजा नहीं है जिसे कोई भी असुर आकर भंग कर सके। ऐसा मूर्ख है ये, इसे इतना भी ज्ञात नहीं कि माता की पूजा का ये प्राथमिक स्थान है और यहाँ मात्र और मात्र नारी का ही प्रवेश है। ये क्या कर रही हो तुम सब? देख नहीं रहे हो, पूजा के लिए दुग्ध उपलब्ध करवा रहे हैं हम। ये पूजा मैं अवश्य भंग करूंगा, मेरे द्वारा ही भंग होगी। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुँच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा। पापी व्यक्ति कभी ईश्वर की लीला को समझ नहीं पाता, इसलिए वही अज्ञानता भविष्य में उसके विनाश का कारण भी बनती है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।